बड़ी खबर यूपी से आ रही है। मुख्यमंत्री का दफ्तर, सचिवालय और बस के बाद अब यूपी की सड़कों पर भी हर तरफ भगवा रंग दिखाई देगा। जी हां, उत्तर प्रदेश में सड़कों के किनारे लगे नोटिस बोर्ड्स को भगवा रंग में रंगने की तैयारी हो चुकी है। इससे पहले यूपी में सड़क पर नीले रंग के बोर्ड नजर आते थे, लेकिन अब इनका रंग भगवा हो जाएगा। तो नोटिस बोर्ड का भी रंग बदलने की तैयारी हो रही है। पहले आपको याद होगा सचिवालय, मुख्यमंत्री का दफ्तर, फिर जो बसेस दौड़ रही थी उनके भी रंग को भगवा किया गया। अब यूपी सरकार ने नोटिस बोर्ड जो सड़कों पर लगे होते हैं उसको भी भगवा रंग में बदलने की तैयारी कर दी है। और किस तरह से भगवा रंग चढ़ाते इमारतों पर मजदूर, वो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। यूपी सरकार ने तैयारी की है और अब बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भगवा रंग यूपी में नोटिस बोर्ड पर भी चढ़ेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री का दफ्तर हो, सचिवालय हो या बसेस हो, आपने देखा उन्हें भगवा रंग में रंगा गया। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, अब नोटिस बोर्ड को भगवा रंग में रंगने की क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, बताया तो इसके पीछे कोई वजह तो नहीं बताई गई है, लेकिन जो कि डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी है जो कि यूपी में सड़कें बनाने का काम इसी विभाग के पास है, तो ये कहा गया कि कुछ जो नोटिस बोर्ड है वो तो नीले रंग के ही होते हैं, वो कि नेशनल रोड कांग्रेस मानक है उसके हिसाब से, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। नए नोटिस बोर्ड लगेंगे जिसमें सड़क के बारे में पूरा ब्यौरा होगा, वो भगवे रंग का होगा, ये आदेश दिया गया। इससे पहले भी कई चीजें भगवा हो चुकी हैं, वो हम सबकी नजर है। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। तो इसके पीछे की सियासत सब समझते हैं। जिस भारी बहुमत के साथ यूपी में योगी सरकार आई है, अब हर तरफ भगवा ही भगवा। तो देखिए, यूपी में आपका स्वागत है। ये बोर्ड आपको इस अंदाज, इस नजर से दिखाई देगा भगवा, भगवामय उत्तर प्रदेश होता हुआ। मुख्यमंत्री के दफ्तर, सचिवालय और बसों के बाद अब नोटिस बोर्ड भी भगवा रंग में रंगे जाएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।